माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और हमारे 74 में से लगभग 51 सदस्य आ गए थे आखिरी आखिरी तक इनके साथ हुई। लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए, हम लोगों ने सुझावों के आधार पर ये निर्णय किया कि हम जिला स्तर पर भी चुनाव अभियान समिति बनाएंगे, समाज के सभी संगठन के और हमारे सभी प्रकोष्ठों के लोग होंगे और इसको हम जिला स्तर तक पहुंचाएंगे। उसके साथ ही साथ जो प्रदेश स्तरीय समिति है उन सब पर निगरानी रखेगी और सभी प्रकोष्ठों को अपने में समाहित करके चलाएगी। हमारे पास सबसे पहला कार्यक्रम 2 अक्टूबर का है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा शुरू होगी, जिसमें हमारे सरकार के द्वारा किए गए काम का प्रचार प्रसार करना ही प्रमुख होगा। हम लोग अपने काम के बल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमने बेहतर काम किया है, हमारा बेहतर रिजल्ट आया, ये हमको विश्वास है। हमें भाजपा के जो दुर्गुण है उसको तो दिखाना है, मगर वो हमारे चुनाव अभियान समिति के प्रचार का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे जो काम हुए हैं 5 साल में, जो पूरे भारत देश में ये प्रचार प्रसार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया के अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो हमने राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से, गोठान के माध्यम से, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के माध्यम से इतनी सारी योजनाओं का काम शुरू किया है, उन्हीं को सामने लेकर हम 2 अक्टूबर को प्रचार प्रसार करेंगे, सभी क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर में जाएंगे, तब से हमारे अभियान की शुरुआत होगी। बाकी बातें हमारी जी, हम लोगों ने भी निवेदन किया है, मैंने खुद निवेदन किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है, वो समय निकालेंगे और यहाँ आने का प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, थैंक यू। मैडम,